गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे टेंथ का चैप्टर 4.1। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, 3.6 पढ़ी थी, आज 4.1 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, आज चैप्टर का नाम हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी घात दो होती है, नाम से पता चलता है द्विघात। 4.1 में द्विघात, नाम से पता चलता है जिसकी घात क्या है, दो होती है, उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण वाले। जैसे यहाँ दो आएगा, ठीक है, उसने क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि जांच कीजिए, पहले पता लगाइए कि द्विघात है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है ये द्विघात है या नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है द्विघात है या नहीं। अब ये देखिए, मुझे ये देखने से लग रहा है कि द्विघात है, क्योंकि एक्स की पावर 2 है तो ये द्विघात है। ठीक, आप बता दोगे ये द्विघात है, लेकिन आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताना है, दिखाना है कि हाँ कि ये द्विघात है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे, आपको पता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला, जैसे कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला लगाते थे ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर तो a क्या है, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है x, b 1 हो गया। ठीक है, बराबर 2 की गुणा करोगे तो यहाँ 2x माइनस में 2 दिए 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x का स्क्वायर देखो, अब क्या करोगे, प्लस 1, ये प्लस का 2x है, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 6, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं ये 6 भी लेके आऊँ तो x का स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा प्लस का 7 बराबर 0, x का स्क्वायर प्लस में 8 बराबर 0। तो देखिए ये आपकी आ गई, ये आपकी स्क्वायर वाली आ गई, तो आप ये क्या लिखोगे, ये द्विघात है, ये क्या द्विघात है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा, आपको x का स्क्वायर माइनस में 2x दे रखा है, x का स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस 2 की गुणा करोगे, माइनस का 2 3 6 माइनस, अब ये देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 2x होगा। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस का 2x, ये इधर आएगा माइनस का 2x, माइनस का है उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस में 6 बराबर 0, ये भी द्विघात है, इसका भी हमें पता चल रहा है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या दे दिया, एक्स माइनस 2 दे दिया। ठीक है, अब एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 दे दिया, कहीं को इसकी गुणा करनी नहीं आती है, तो देखिए ऐसे करा हुआ, एक्स माइनस 2 है और x प्लस 1 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको क्या करोगे, या फिर आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, पहले x की गुणा इससे करो। ठीक है, या ऐसे क्या करो, x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, तो आप ऐसे करो, पहले x है, इस x की गुणा इस पूरी रकम से, ये कितना हो जाएगा, पहले x की गुणा x से करोगे, x का स्क्वायर, फिर x की गुणा x से करोगे तो प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 की किससे करोगे, x से, तो माइनस का 2x, अब माइनस है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ये आएगा इस तरीके से, ये हमारी आ जाएगी x का स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 में से x गया माइनस का x माइनस का 2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया, x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। ठीक है, ये आपको करके नहीं दिखाना, मैंने समझाने के लिए बोला, कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम जी इनकी गुणा कैसे हुई, इसलिए बताया बराबर में। इस तरीके से आप इसकी करोगे, x का स्क्वायर, ठीक है, x की गुणा प्लस का 3x, ठीक है, माइनस में x और माइनस का 3, ये क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस में x माइनस का 2 बराबर है, x का स्क्वायर 3 में से 1 गया 2x। ठीक है, प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का निशान लगाएंगे, माइनस का 3। अब ये देखिए, x का स्क्वायर माइनस का 2x, ये सारी रकम इधर ले आओ, जब बराबर से उस तरफ से इधर आएगी तो वो सारे क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं। ये देखो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ, ये माइनस का
माइनस का एक्स है, ये प्लस, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का तीन एक्स। ठीक है, ये तीन है और ये दो है, तो प्लस का एक, ये बराबर जीरो, इसमें दो घात नहीं है, तो ये कहती हुई घात समीकरण नहीं है। आपको क्या लिखना है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या बताना है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, पहले x की गुणा इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दो एक्स का स्केयर, x की गुणा इससे करोगे प्लस का x, माइनस तीन दूनी छह एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस का तीन, बराबर x की गुणा इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्केयर प्लस में पांच एक्स। ठीक है, अब देखो दो एक्स का स्केयर है प्लस एक्स माइनस का छह एक्स, ये तो हो जाएगा आपका पांच एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का पांच एक्स, क्यों हुआ, क्योंकि छह में से गया पांच, माइनस का तीन, ये इधर आ जाएगी सारी रकम, ये क्या आ जाएगी इधर, तो ये प्लस का था, ये उधर आ गया माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये भी माइनस का, बराबर यहाँ क्या होता है जीरो, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो बचा, दो एक्स का स्केयर में से एक्स का स्केयर गया तो एक्स का स्केयर प्लस का इंसान, क्योंकि दो बढ़ गए प्लस का बड़ा है, ये माइनस का पांच एक्स, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का दस एक्स हो गया। ठीक है, माइनस का दस एक्स, अब ये क्या है माइनस का तीन बराबर जीरो, तो ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये भी। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दे दिया, यहाँ लिखना जरूर आपको, ये द्विघात है, आगे क्या दे रखा है, दो एक्स, दो एक्स की गुणा किससे करेंगे एक्स से, तो दो एक्स का स्केयर, दो एक्स की माइनस का दो की छह एक्स। ठीक है, अब माइनस एक की गुणा करोगे माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस का तीन। ठीक है, बराबर अब इसकी गुणा करोगे आप तो एक्स का स्केयर, ठीक है एक्स का स्केयर माइनस का एक्स, अब पांच ही गुणा करोगे तो प्लस का पांच एक्स माइनस का पांच। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, दो एक्स का स्केयर माइनस माइनस क्या हुआ सात एक्स, ये क्या हुआ प्लस का तीन, बराबर में क्या आया x का स्केयर माइनस, देखो ये प्लस का पांच है ये माइनस का एक है, तो ये क्या होगा प्लस का चार एक्स माइनस का पांच। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, दो एक्स का स्केयर, अब ये सारी रकम इधर आ जाएगी, माइनस का सात एक्स प्लस का तीन, माइनस का एक्स स्केयर माइनस का चार एक्स, ये प्लस का पांच बराबर में जीरो। ठीक है, जब सारी रकम इधर आई तो प्लस वाले माइनस में बदल गए और माइनस वाले प्लस में। ठीक है, दो एक्स का स्केयर माइनस का एक्स का स्केयर कितना है एक्स का स्केयर हो गया। ठीक है, ये माइनस का सात है ये माइनस का चार है तो माइनस का ग्यारह एक्स हो गया, ये प्लस का तीन है ये प्लस का पांच है प्लस का आठ बराबर में जीरो। ये आ गई आपकी सेकेंड द्विघात, ये भी क्या आपकी द्विघात। ठीक है, आगे देखिए क्या अगर आपको सेम, ये आपका एक्स का स्केयर प्लस तीन एक्स प्लस एक बराबर दे रखा है। ठीक है, अब ये देखिए स्केयर दे रखा है, ये फॉर्मूला है आपका, ये कौन सा फॉर्मूला है, जैसे ये प्लस का था एक माइनस का फॉर्मूला होता है, इसमें होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का टू ए भी होता है। ठीक है, यहाँ प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, खोल दो एक्स का स्केयर प्लस दो दूनी चार माइनस में टू ए भी, तो दो दूनी चार एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, ये इधर आ जाएगा x का स्केयर प्लस तीन एक्स प्लस एक, सारी रकम इधर आएगी माइनस x का स्केयर माइनस का चार प्लस का चार एक्स बराबर में जीरो। देखो जब बराबर से इधर आती है तो आपके प्लस वाले माइनस में बदल जाते हैं, माइनस वाले प्लस में, ये से कैंसिल, ये तीन एक्स है ये प्लस का चार एक्स है, ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा सात एक्स, ये माइनस का चार है ये माइनस का एक है तो माइनस का तीन बराबर जीरो। ये द्विघात नजर आ रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी स्केयर वाली कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ये क्या आपकी द्विघात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए माइनस ए प्लस बी,
इसी तरीके से a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री ए बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो x की तीन प्लस दो की तीन प्लस तीन ए बी, तीन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, तीन ए बी क्या हो जाएगा आपका, तीन गुणा में x, तीन गुणे छह, छह एक्स इंटू में x प्लस दो, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा आपको, बराबर में दो एक्स की तीन माइनस में दो एक्स, ठीक है। अब ये क्या दे दिया, एक्स की तीन, ये कितना हो गया आठ प्लस छह एक्स का स्क्वायर, छह दुनी बारह एक्स बराबर है दो एक्स की तीन माइनस में दो एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स की तीन वालों को एक तरफ कर दो, एक्स की तीन ये इधर आ जाएगा माइनस का दो एक्स की तीन हो गया। अब क्या है, प्लस का आठ प्लस छह एक्स का स्क्वायर प्लस का बारह एक्स और ये माइनस का इधर आके किसी का हो जाएगा प्लस का दो एक्स बराबर में, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस में एक्स की तीन, ये देखो यहाँ तीन एक्स की तीन, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा आपको, ये क्या है प्लस का छह एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौदह एक्स, ठीक है, और प्लस में आठ बराबर ये जीरो। ये देखो इसमें क्या है, तीन आई है, ये क्या आपका बहुपद है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप लिखोगे द्विघात नहीं। अब आप कहोगे इसमें है दो, इसमें तीन भी तो है ना, तो ये द्विघात में काउंट नहीं होगा, अगर तीन नहीं होता तो। उसके बाद देखो इसको कैसे करेंगे, ये सेम है एज इट इज, एक्स की तीन माइनस में चार एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस एक बराबर। अब ये देखिए कैसे करोगे आप, इसको कैसे कर दोगे, इसका फॉर्मूला खोल दोगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की तीन, ठीक है, माइनस में दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, माइनस तीन दूनी छह, छह एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स माइनस में दो। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, इसको पहले पूरा को खोल दो, एक्स की तीन माइनस आठ माइनस में छह दूनी बारह, सॉरी छह एक्स माइनस माइनस प्लस छह दूनी बारह, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ एक्स की तीन माइनस चार एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, ये सारी इधर आ जाएगा, तो माइनस में ये जब इधर आएगा बराबर से इस तरफ आएगा तो सारे चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, ये एक्स की तीन हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का आठ हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का छह एक्स का स्क्वायर माइनस का बारह एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स की तीन वाला एक्स की तीन से कट गया, ठीक है, क्या बचा चार एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का छह एक्स का स्क्वायर, तो ये घट जाएगा तो कितना बेटा दो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स है माइनस का बारह तो माइनस का तेरह एक्स हो गया, ठीक है, प्लस एक है प्लस आठ तो प्लस का नौ बराबर ये जीरो। अब ये क्या आपकी द्विघात समीकरण है, ये क्या है आपकी द्विघात है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दे रखी है, आप पहले क्या करोगे उस इक्वेशन को बनाओगे, अगर वो द्विघात समीकरण बनती है वो आपकी निरूपण विधि आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपको क्या दिया हुआ है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, आपको क्या दिया हुआ है, उसने ये कहा है कि एक आयताकार कोई चीज है, ठीक है, उसकी आपको लंबाई जो दी हुई है ना वो चौड़ाई से दो गुने से एक अधिक है। देखो अगर मैं कहूँ चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक, तो मुझे पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई का दो गुना, चौड़ाई मुझे नहीं पता होगी तो मैं उसका दो गुना क्या करूंगी, नहीं पता चलेगा। उसने बोला लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो मुझे चौड़ाई माननी पड़ेगी। मैंने क्या मान लिया, चौड़ाई मान ली एक्स मीटर, लंबाई क्या हो गई फिर चौड़ाई के, इस चौड़ाई के दो गुने से, दो गुने से एक अधिक तो प्लस एक कर दिया। स्टेटमेंट सबको एक्स दो एक्स प्लस एक मीटर होगा। उसके बाद देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उस खेत का आयताकार का 528 मीटर की स्क्वायर दिया हुआ है,
तो आपको पता है क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी दे रखी है एक्स और चौड़ाई कितनी हो गई सॉरी आपकी लंबाई कितनी है 2x+1 और चौड़ाई कितनी है एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल बराबर हो गया, हम इससे क्या करेंगे सोल्व, तो इसकी गुणा कर देंगे तो 2x का स्केलर हो गया, एक्स गुणा इससे करोगे प्लस में एक्स, ये क्या 528 इधर आ जाएगा माइनस का 528 ये बराबर 0। अब ये देखो ये क्या द्विघात है, तो बस आपको यही लिखना है ये द्विघात समीकरण, बस इसमें ही आपको शो करना था इसको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला हुआ है कि आपको ये बोला है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उनका जो गुणनफल है वो 306 दिया हुआ है, आप उनकी संख्या बताओ। कर्मागत का मतलब होता है लगातार आना, कर्म में आना, जैसे एक के बाद दो आना, दो के बाद तीन आना, तीन के बाद चार आना, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक पूर्णांक मेरा एक एक्स है, तो दूसरा जो होगा वो देखो जब दूसरा निकालते हैं तो एक जोड़ते हैं ना, एक और एक दो करते हैं, तो दूसरा कर्मागत पूर्णांक क्या होगा x प्लस एक होगा, ठीक है। उनका गुणनफल 306 तो उनकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर दो x का स्क्वायर प्लस x बराबर 306, तो x का स्क्वायर प्लस x ये इधर आएगा माइनस का 306, तो ये भी क्या आ गया आपकी द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट से, इसने क्या बोला, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, देखो रोहन की आयु इसका मतलब रोहन की माँ अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है, तो उसको अपने बेटे की पता होगी तभी तो वो 26 वर्ष ज्यादा करेंगे, तो हमें क्या मानना पड़ेगा रोहन की आयु कितनी माननी पड़ेगी एक्स वर्ष, रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष ज्यादा है रोहन से, तो रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या दिया होगा, तीन वर्ष पश्चात जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, तीन वर्ष पश्चात जो गुणनफल है वो 360 है, तो इसका मतलब क्या है मुझे क्या करना पड़ेगा तीन वर्ष पश्चात लिखना है, तो रोहन की आयु तीन वर्ष पश्चात एक्स प्लस तीन वर्ष हो जाएगी और उसकी माँ की कितनी होगी एक्स प्लस 26 तो पहले थी प्लस तीन कर देंगे तो एक्स प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या कहा गुणनफल जो है वो 360 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों के हम क्या करेंगे गुणा, जब आप गुणा करोगे तो पहले इसकी इन दोनों से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर आप इससे करोगे 29x, ठीक है, फिर इससे करोगे 3x प्लस 27 तीन दूनी 6, 7 और 8 ये हो गया आपका 307, ठीक है। अब क्या होगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 9 और 3 12 32x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 87, ये इधर आएगा 360 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, तो ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको बताओगे आप 87 करोगे माइनस में तो क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, ये 313 ये आपका आ गया द्विघात समीकरण की इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है 480 किलोमीटर एक रेलगाड़ी की चलती है, ठीक है, इसकी चाल अगर मैं 8 किलोमीटर पर हवर कम कर दूं तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो देखिए क्या दे रखा है रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, जो चीज हमें निकालनी है वो हमें माननी पड़ेगी, माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर है, अब मैंने क्या किया उस रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया x माइनस 8 किलोमीटर पर हवर कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी की स्पीड को कम कर दूंगी तो वो ज्यादा समय लेगी उससे जिसकी स्पीड ज्यादा थी, तो क्या करेंगे दूरी आपको देखिए 480 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो समय दे रखा है आपको इक्वल, तो आपको इस चीज को भी आपको समय में बदलना पड़ेगा, आपको पता है दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है चाल गुना समय के बराबर होती है, ठीक है, और हमें समय निकालना है तो हमें ये पूरी सीरीज किस में लेनी पड़ेगी समय के अंदर, तो दूरी बटे चाल करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि यहाँ समय है, तो इस पूरी सीरीज को आपको किस में बदलना है समय में, और समय में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उसने क्या कहा 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, तो 480 बटे एक्स माइनस 8 क्यों क्योंकि ये चाल कम की थी, तो ये चाल आपकी ये आ गई समय ये आया, इसी तरीके से पहले आपकी चाल एक्स थी तब भी आपको 480 किलोमीटर चलना था,
तो 480 बटे एक्स आए। अब इसमें माइनस क्यों करना पड़ेगा? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 10 टोपी है और आपके पास 2 टोपी है, तो मुझे ये बतानी है मेरे पास कितनी ज्यादा है, तो माइनस करते ना, 10 में से 2 गए 8, ऐसे ही करते ना, मेरे पास 8 टोपी ज्यादा है, माइनस करते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस किया। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि माइनस पहले ये चीज लिखे या ये चीज लिखे, ठीक है? तो आप हमेशा ये याद रखो कि देखिए आपको ये चीज पहले लिखनी है, वो क्यों? क्योंकि देखो आपने चाल को कम कर दिया, चाल को हमने क्या किया, कम किया। अगर आप चाल को कम करोगे तो समय ज्यादा कौन ले रहा है, ये वाला, और जो ज्यादा चीज होती है वो हम पहले लिखते हैं और जो कम वाली चीज होती है वो हम बाद में लिखते हैं, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स इंटू में एक्स माइनस 8। ये अगर आप डायरेक्ट ले सकते हो, इसकी इससे गुणा कर दो, 480 एक्स हो गया, ठीक है? इसकी वहां चली जाएगी एक्स माइनस में 8 और ये हो गया आपका 480 बराबर 3 है, ठीक है? अब 480 एक्स माइनस में 480 एक्स हो गया, इसको गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, 800 और 264 832, 32 और 6 कितना होता है 38, ठीक है? ये वहां चला जाएगा, ठीक है? 3 एक्स इंटू में एक्स माइनस 8, ठीक है? ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 38 और 40। ये देखो ये 3 है, इधर ये नीचे ले गए, 3 एकम 3, 3 यूनिट 6, 3 अठे 24, 0 बराबर में एक्स इंटू में एक्स माइनस 8, इसकी गुणा कर दो, एक्स का स्क्वायर और एक्स की माइनस का 8 है, ठीक है? और यहाँ क्या है 1280, ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 है, माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ठीक है? अगर फिर भी आपको अगर कोई मिस्टेक लगे या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।